डेटा है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन के नेम्स हैं, राइट सर, और इस नेम में यहाँ पे नेम सेल वगैरह है। एक हमारे पास समरी टीम समरी का शीट है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ तो दिल्ली का डेटा आता है, नोएडा सेलेक्ट करता हूँ नोएडा का डेटा आता है, पुणे सेलेक्ट करता हूँ पुणे का डेटा आता है। तो ये हमारा वन बाय वन डेटा आ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे सपोर्ट वाले सीट पे जितने भी सिटीज है सारे सिटीज का लिस्ट दिया हुआ है। तो मुझे करना है क्या है कि एक बार इसको कॉपी यहाँ से दिल्ली उठाना है, यहाँ पे दिल्ली को टाइप कर देना या सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस सीट को राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करना है और यहाँ न्यू वर्कबुक पे जाना है, सीट का नाम समरी को चेंज करके दिल्ली दे देना है, इसमें जो फॉर्मूला लगा है उस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करके सीट के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए, देन इस फाइल को सेव कर देना है दिल्ली के नाम से एक लोकेशन। ओके, समझ में आया काम, प्रॉब्लम क्या, समझ में आ गया करना क्या है? यस सर। देखिए उससे पहले क्या है कि मेरे पास जो सिटी है वो बहुत सिटी कई बार रिपीटेड है हमारे इस डेटा में। सबसे पहले मुझे यहाँ सपोर्ट सीट में मुझे जो है लिस्ट क्रिएट करना है, इस कॉलम में मान लीजिए लिस्ट क्रिएट करना है नंबर ऑफ सिटी का जिससे मेरा लूप चलेगा। तो कैसे करें, तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका है एक्सेल मेथड, दूसरा है वीवीए मेथड। दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। मैं इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज आर आर यहाँ पे गेट लिस्ट के नाम से ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले मुझे जाना है शीट डेटा में डॉट सेलेक्ट, फिर क्या करना है मुझे, हमारा कॉलम कौन सा है, बी कॉलम है, यहाँ पे रेंज बी को पूरा कॉपी करना है, बी बाय बी डॉट कॉपी, राइट सर। फिर जाना है यहां पे शेप शीट में यहां देना है सपोर्ट डॉट सेलेक्ट, फिर जाना है रेंज एच वन डॉट टेस्ट स्पेशल टेस्ट, यहां पे हमने कर दिया वेल, राइट सर। अब यहां देना है रेंज ए वन एच वन सॉरी एच से एच, पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया डॉट रिमूव डुप्लीकेट, इसमें आता है कॉलन, तो कॉलन में है हमारा रेंज एच से पूरा एच कॉलन। और यहां पे हिडर है, यस हिडर है इसमें, तो हम डेटा सीट को सिलेक्ट करेंगे, बी बी पूरे बी कॉलम में कॉपी करेंगे, सपोर्ट सीट पे आएंगे, एच वन पे जाकर पेस्ट वैल्यू कर देंगे और पूरे पूरे कॉलम को रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, आई थिंक कोई एरर नहीं आना चाहिए, एक एरर आ गया टाइप मिसमैच का। यहाँ पे ओके, यहाँ पे एट बाई एट डॉट एंटायर कॉलम करना चाहिए, आई थिंक अब सही हो जाएगा। टाइप मिसमैच
हाँ बस रिमूव डुप्लीकेट हुआ नहीं, दिक्कत करते एक बार मैं इसको रिकॉर्ड मैक्रो में रिमूव डुप्लीकेट करके देखता हूँ। इसकी कोड क्या बनी है मॉड्यूल 3 में? एक्टिव सीट डॉट रेंज H1, तो मुझे पूरा का पूरा एच कॉलन लेना है। ओके ओके, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, यहां पे हमें 1 देना था, कॉलम्स 1 देना था, हिडर इक्वल टू नो, हिडर तो है नो नहीं करना है, तो यहां पे आपको क्या करना है इक्वल टू कॉलन 1 और यहां पे एक्सेल ईआर, क्योंकि हिडर है मेरे पास। अब मैं एक बार दोबारा इस मैक्रो को रन करता हूं, मैक्रोज में गया, गेट मैक्रो लिस्ट रन, गेट लिस्ट रन। ओके लिस्ट आ गया सर। एक तो तरीका था हमारा एक्सेल का तरीका था, बीजीए का एक्सेल का तरीका था कि हम डेटा में जाते हैं, कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर उसको रिमूव डुप्लीकेट हम कर देते हैं। इसमें आ गया आप लोगों को कोई डाउट? इसमें नो डाउट? नहीं सर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी जान लीजिए। अब यहां पे हम जाएंगे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे गेट अंडरस्कोर लिस्ट 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे कि dim dt एज ए न्यू कलेक्शन, इसको एरे डेटा टाइप कहा जाता है। एरे dt एक एरे हो गया जो कि मल्टीपल डेटा को लोड करेगा। फिर मुझे यहाँ पे जाना है कि फोर i इक्वल टू चले 2 से कहां तक चले, रेंज रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट रो नेक्स्ट आई। ठीक है, और यहां पे हम करते हैं dt डॉट एड। एड में आइटम क्या होना चाहिए? तो इसमें देना होता है रेंज, क्योंकि बी कॉलन है हमारा, क्या देंगे रेंज ए के साथ हम कंबाइन करेंगे आई को डॉट वैल्यू, और फिर यहां पे एस टी आर के अंदर में भी हमें देना होगा सी एस टी आर चेंज एस टी आर, और फिर वापस हमें इस रेंज को देना होगा की में आपको सेम देना होता है इस तरह से, हमें इसको कॉमा देना होगा। हाँ, लेकिन किस सीट का है? सीट तो डिफाइन हमने किया नहीं, तो यहां पे दे दिया एस एस सीट, और सीट में हम डेटा देंगे, और ये मुझे यहां ही नहीं, यहां भी, जहां भी है वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर ऐड हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका न्यू कलेक्शन जो है, जो डीटीएच न्यू कलेक्शन जो है, न्यू कलेक्शन जो एरर डेटा टाइप है, उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिक माने कि डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, मतलब कि जो वैल्यू मोर देन 1 टाइम है उसको कंसिडर नहीं करता है, वो सिर्फ कंसिडर करता है यूनिक वैल्यू को। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली हमने यहाँ पे 2 बार दे दिया तो दूसरी दिल्ली को कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी दिल्ली को कंसीडर ही नहीं करेगा, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम जाहिर सी बात है यहाँ पे
एरर देगा, तो यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करना होगा ताकि एरर ना दे। ओके तो सारा का सारा रिकॉर्ड डीटी पे स्टोर हो गया, लेकिन मुझे लेके आना है एच कॉलम पे ना। तो मैंने क्या किया कि यहां पे लगाया कि फोर एच आइटम इन डीटी, और फिर हम कहते हैं रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम और नेक्स्ट आइटम पर। लेकिन एक किस रेंज की बात करें हमें, क्योंकि अभी तक जो हमारा सपोर्ट सीट है उसको एक्टिव तो किया नहीं, या तो मुझे इसके ऊपर सपोर्ट सीट को एक्टिव करना पड़ेगा या फिर मैं इसके साथ ऐड कर दूं सीट सपोर्ट डॉट। तो पहले यहां पे इस कोड को समझने की कोशिश कीजिए। न्यू कलेक्शन एक एरे डेटा टाइप है जो कि एक से ज्यादा वैल्यू को अपने अंदर स्टोर रखता है, लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि अगर वैल्यू मान लीजिए कि ओवर मोर देन वन टाइम है तो वो एरर देता है। तो उस एरर को इग्नोर हमने करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाया हुआ है। फिर हम उतना बार चल रहे हैं, इससे भी जितना हमारा डेटा है, यहाँ जितना डेटा है उस सारा डेटा को, पूरे बी कॉलम के डेटा को हम एक एक करके डीटी पे स्टोर करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो वैल्यू पहले से ऐड होगी डीटी उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और रिज्यूम नेक्स्ट जो है उस लाइन को स्किप कर देगा, और ये जितना डेटा है एक एक करके स्टोर करने की कोशिश करेगा। जो यूनिक होगा वो स्टोर ले लेगा, जो यूनिक नहीं होगा डुप्लीकेट होगा पहले से स्टोर होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा, एरर जो है उस लाइन को उस स्टेप को स्किप कर देगा। तो जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा हमारा डीटी पे स्टोर हो जाएगा। अब हम एक एक करके आइटम कमांड्स को लेना है। हमने यहाँ पे लगाया कि फोर इच आइटम इन डीटी, मतलब कि हमें लूप को उतना बार चलाना है जितना आइटम डीटी पे स्टोर है, और एक एक करके आइटम को बाहर हमें निकाल देना है। अब चलिए इस मैक्रो को हम सपोर्ट वाली सीट पे किसी सीट से रन कर सकते हैं, हमने ऐसा कोई सीट डिफाइन नहीं किया हुआ है। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, हमें ए के जगह पे बी करना चाहिएगा, छोटा सा दिक्कत यहाँ पे हुआ है। और हमारा डेटा कितना है, चलिए एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। तो तीन ही क्यों आ रहा है, जयपुर कानपुर पुणे तीन क्यों आ रहा है, फिर कई सारे हैं। ओके ओके ओके, माफ कीजिएगा, इसमें हमने सीट का नेम नहीं दिया हुआ है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। अब सही आएगा, सपोर्ट टीम पे आते हैं। आ गया पूरा सिटी लिस्ट, तो सिटी लिस्ट मेरे पास निकल चुका है। हमने सिटी लिस्ट निकालने के दो तरीके देखे हैं, दोनों तरीके मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जितने सिटी है उतने उस नाम को हमें यहां पे डालना है और रिपोर्ट को वन बाय वन करना है, राइट। इसके लिए मैंने मैक्रो बनाया हुआ है, एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए।
हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 6, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना बार रन होगा हो, तो क्यों ना इस पूरे कोड को, इस कोड आपको दिख रहा है, इस पूरे कोड को मैं मॉड्यूल से यहाँ मॉड्यूल 2 में ये जो फोर इच आइटम आपको दिख रहा है इसमें डाल देते हैं, इसको हटाइए, इसी में डाल देते हैं। तो यहां पे हुआ समरी शीट को सिलेक्ट करेगा, रेंज B5 को, हाँ रेंज B5 को यहां पे हम बोल दिया कि आइटम हो जाएगा। फिर उसके बाद समरी शीट को कॉपी करेगा, और उसका नाम आइटम होगा, कॉपी सेल्स डॉट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करेंगे और यहाँ पे भी हम आइटम कर देते हैं। अब देखिए मेरा फॉर्मूला ये जो कोड ऑलरेडी वर्क करेगा, कैसे करता है चलिए वन बाय वन हम एक्सेप्ट करके करते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा वर्क कर जाएगा, उसके बाद जो भी सिटी नेम है वन बाय वन आइटम पे स्टोर है, समरी शीट पे जाएगा और सिटी का नाम डालेगा, जैसे यहाँ पे सिटी का नाम मान लीजिए दिल्ली डाला, उसके बाद हाँ यहाँ बी फाइव पे डालेगा, उसके बाद जो है समरी शीट को कॉपी करेगा, राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर देगा, क्रिएट कॉपी न्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी वाले की फाइलें बताया था आपको कि अगर आप जो है कॉपी के बाद कुछ नहीं लिखते हैं किसी सीट का फाइल का रेफरेंस तो नई फाइल में कर देता है। अब यहाँ पे seat1.name=item, सीट वन मतलब इसमें जो है जो अभी सीट मूव हुआ है उसका ऑलरेडी एक ही सीट है, इसका नाम आइटम मतलब कि इसका दिल्ली नाम कर देगा, दिल्ली कर दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है sales.copy, ये पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। दूसरा आता है सेल्स डॉट पेस्ट स्पेशल वैल्यू, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में ये वैल्यू कर दे रहा है, वैल्यू पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस फाइल को सेव कर रहा है, नाम आइटम दे रहा है, एक्सटेंशन ये हो गया और इसको क्लोज कर दे रहा है। अब चलिए इसको बात करते हैं, वन बाय वन रन करते हैं। तो मेरे सिटी वाले इसमें डाउनलोड में आता हूँ मैं, और जो डेटा टैब है उसमें ऑलरेडी सिटी है, इसमें ऑलरेडी सिटी पहले से डला हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं अपने इसको रन करता हूँ। दिख रहा है सर, और एक एक करके आपको यहाँ सिटी के फाइल आपको दिखेंगे, और यही मान लीजिए आपको प्रिंट आउट लेना है तो यही पे आप सिंपल सा कर सकते हैं, क्लोज से पहले प्रिंट आउट। अब बताइए इस कोड में किसको क्या प्रॉब्लम है, चलिए CSTR क्या है यहाँ पे DTR string, basically क्या है कि इसका रूल है DT.add आप करते हैं, इसमें मान लीजिए रेंज आपने दिया उसको आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डालना होता है, okay. तो आपको डालना ही पड़ेगा, okay. ठीक है, हेलो जी सर, गॉट इट। और किसी को डाउट है? अतीश जी समझ में आया? सर ये जो डीटी करके आपने जो लिया है डेटा टाइप्स, ये क्या है, ये पहली बार देखा। न्यू कलेक्शन है, डीटी एज ए न्यू कलेक्शन, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसको सर ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं, ये है, ये डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरिएबल है बट एरे वेरिएबल है, ओके ओके नॉर्मल नहीं है।
सर ये जो डीटी वाला जो हम लोग ऐड किए हैं, वो आप जो ऐड किए इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक क्लाउड में वो जाके सेव कर देगा ऐसा है कुछ, राइट? वो अपने जितना डीटी अपने नहीं बैकएंड में सेव रखेगा, हाँ बैकएंड में, टेम्पोरी, करेक्ट हाँ टेम्पोरी मेमोरी में। करेक्ट। तो बहुत बड़ा पॉइंट है सर ये, इससे तो बहुत बड़ा बड़ा काम इसका हो सकता यूज हम लोग, हाँ इसका यूज हम लोग करते हैं कि जैसे कि आपको लिस्ट बॉक्स में ऐड करने हैं, वहां पे इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। और किसी को दिक्कत है? नहीं सर, बाकी तो कोई। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फाइल तो मैं भेज ही रखा हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सर। सर ठीक ये है, दे दीजिए ना, मेरे पास आई नहीं है क्या ये फाइल, मेरे को भेज दीजिए ना, मेरे पास नहीं आई है। नहीं आपके पास नहीं आ गया है? सर मेरे पास भी नहीं है सर, मुझे शेयर कर दो। ठीक है, ये सर है मेरे अभी। पास भी। अरे सर ये लास्ट वीडियो मैं मिस कर गया था, मैं उस वीडियो मुझे मिल नहीं पा रहा है सर। ठीक है, लिखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। भेज दिया सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।